गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना? यस मैम। ठीक है, आपका साइज क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका साइज रिडक्शन चल रहा था, ठीक है? साइज रिडक्शन में आपका ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस ओनली एक एंड रनर मिल रह गई थी और फैक्टर अफेक्टिंग्स रह गए थे। आपके फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं आपके साइज रिडक्शन में, ठीक है? ये रह गया था। पहले है एंड रनर मिल। जो आपकी एंड रनर मिल होती है वो किस पे बेस्ड होती है? आपकी प्रिंसिपल जो काम करता है वो होता है कंप्रेशन पे काम करता है, ठीक है? प्रिंसिपल लिखो, एंड रनर मिल, ई एन डी, एंड रनर मिल, प्रिंसिपल लिखो। साइज रिडक्शन इज डन बाय, साइज रिडक्शन इज डन बाय क्रशिंग। कंप्रेशन में हम क्या करते हैं? क्रश करते हैं, ठीक है? इज डन बाय क्रशिंग, ब्रैकेट में लिखो कंप्रेशन, ड्यू टू हैवी वेट ऑफ स्टील पेस्टल, ड्यू टू हैवी वेट ऑफ स्टील पेस्टल। कंप्रेशन में लाइक मतलब जब हम जो क्रशिंग करते हैं, जैसे पेस्टल मोर्टार में हम क्रश करते हैं, उस टाइप से क्रश करते हैं, ठीक है? शेयरिंग स्ट्रेस इज शेयरिंग, एस एच ई ए आर आई एन जी, शेयरिंग स्ट्रेस। इज ऑल्सो इन्वॉल्व, is also involved during the movement of mortar and pestle, in also involved during the movement of mortar and pestle. मैं मोर्टार से आगे क्या बोला आपने? मोर्टार एंड पेस्टल, पेस्टल होता है PESTLE, पेस्टल, मोटार पेस्टल होता है वो। ठीक है, जो इसका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन पहले लिखो, कंस्ट्रक्शन, इट इज कंसीडर्ड as a mechanical motor, mortar and pestle, mechanical mortar and pestle, it consists of a steel mortar, it consists of a steel mortar, which is fixed to a flanged plate, to a flanged plate, मतलब जो आपकी स्टील की मोटार होगी वो कैसे फिक्स्ड होगी? फ्लैंग्ड, फ्लैंग प्लेट होती है, मतलब एक फ्लैट प्लेट होती है, उसके ऊपर जो आपके मोटार हैं वो क्या है? स्टील के मोटार आपके फिक्स्ड होंगे, ठीक है? स्टील के मोटार जो आपके फ्लैंग्ड, फ्लैंग्ड एफ एल ए एन जी ई डी, फ्लैंग्ड प्लेट। अंडरनीथ, अंडरनीथ द फ्लैंग्ड प्लेट, द फ्लैंग्ड प्लेट कोमा ए ब्लीव ए बीवेल्ड, स्पेलिंग बोल रही हूँ, बी ई वी ई डबल एल
ईडी कोग COG कोग फिटिंग कोग फिटिंग इज अटैच्ड टू टू ए हॉरिजॉन्टल शाफ्ट टू ए हॉरिजॉन्टल शाफ्ट बियरिंग ए पुली बियरिंग BERING बियरिंग ए पुली PULLEY पुली ठीक है। जो ये बी वेल्ड कोग फिटिंग होता है वो एक लाइक मतलब एक पुली टाइप का होता है ठीक है, जो उसमें फिक्स्ड होता है ठीक है। हैंस द प्लेट विद मोटार कैन बी रोटेटेड हैंस द प्लेट विद मोटार कैन बी रोटेटेड एट ए हाई स्पीड मोटार कैन बी रोटेटेड एट ए हाई स्पीड। नेक्स्ट लाइन में लिखो द पेस्टल इज डम DUMB डम बेल शेप्ड सो दैट बैलेंसिंग एंड इफिशियंट ग्राइंडिंग सो दैट बैलेंसिंग एंड इफिशियंट ग्राइंडिंग पेस्टल इज डम बेल शेप्ड सो दैट बैलेंसिंग एंड इफिशियंट ग्राइंडिंग बाय इट्स वेट कैन बी अचीव्ड बाय इट्स वेट कैन बी अचीव्ड। ठीक है नेक्स्ट लाइन में लिखो द बॉटम ऑफ पेस्टल द बॉटम ऑफ पेस्टल इज फ्लैट द बॉटम ऑफ पेस्टल इज फ्लैट रेदर देन राउंड द पेस्टल कैरीज। मैम ये जो कंस्ट्रक्शन लिखवा रही है इड्स का है कि इंड का? क्या एंड का है एंड का एंड का बोलते जो एंड ED एंड एंड रनर मिलकर कंस्ट्रक्शन है ये। एज रनर का तो बता दिया था ना पहले द पेस्टल कैरीज एन आर्म द पेस्टल कैरीज एन आर्म विच इज हिंग्ड बाय दिस अरेंजमेंट द पेस्टल कैन बी रेज्ड द पेस्टल कैन बी रेज्ड फ्रॉम द मोटार टू फैसिलिटेट द पेस्टल कैन बी रेज्ड द मोटार टू फैसिलिटेट एम्पिटिंग एंड क्लीनिंग। नेक्स्ट लाइन में लिखो द नैरो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द नैरो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द पेस्टल द नैरो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द पेस्टल इज लॉन्गर देन द बैंड ऑफ आर्म लॉन्गर देन द बैंड ऑफ आर्म अराउंड इट बैंड ऑफ द आर्म अराउंड इट हैंस पेस्टल कैन राइज हैंस पेस्टल कैन राइज हैंस पेस्टल कैन राइज एंड फॉल ओवर द मटीरियल एंड फॉल ओवर द मटीरियल इन द मोटार। ठीक है
इसका कंस्ट्रक्शन जो बाकी जो मिल हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें एक मोटर होती है, मोटर कनेक्टेड रहती है जो आपकी मैकेनिकली आपके जो जो मोटार है उसको पेस्टल को रोटेट करता है और फिर वो क्या करता है, क्रश करता है, ठीक है। उसको कंप्रेस करके क्रश करता है, ठीक है। आपकी जो वो मतलब जो मटेरियल है आपका क्रश होके आपको साइज रिड्यूस होके आपको मिल जाता है, ठीक है। वर्किंग वर्किंग लिखो इसकी, वर्किंग द मटेरियल टू बी ग्राउंड, वर्किंग द मटेरियल टू बी ग्राउंड इज प्लेस्ड इन द मोटार, इज प्लेस्ड इन द मोटार। द स्क्रैपर पुट्स द मटेरियल इन द पाथ, द स्क्रैपर पुट्स द मटेरियल इन द पाथ ऑफ द पेस्टल, द स्क्रैपर पुट्स द मटेरियल इन द पाथ ऑफ द पेस्टल। नेक्स्ट लाइन में लिखो द मोटार रिवॉल्व्स, द मोटार रिवॉल्व्स एट ए हाई स्पीड, द पेस्टल इज प्लेस्ड इन द मोटार, द पेस्टल इज प्लेस्ड इन द मोटार। ड्यूरिंग दिस, स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, द मटीरियल टू बी ग्राउंड इज प्लेस्ड इन द मोटार, द मटीरियल टू बी ग्राउंड इज प्लेस्ड इन द मोटार। द स्क्रैपर पुट्स द मटीरियल इन द पाथ ऑफ पेस्टल, द स्क्रैपर पुट्स द मटीरियल इन द पाथ ऑफ पेस्टल। द मोटार रिवॉल्व्स एट ए हाई स्पीड, द पेस्टल इज प्लेस्ड इन द मोटार, द पेस्टल इज प्लेस्ड इन द मोटार, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस साइज रिडक्शन इज अचीव्ड बाय, साइज रिडक्शन इज अचीव्ड बाय शेयरिंग, एस एच ई ए आर आई एन जी, शेयरिंग एज शेयरिंग एज वेल एज क्रशिंग, शेयरिंग एज वेल एज क्रशिंग। द मटीरियल इज कलेक्टेड, मैम साइज रिडक्शन से बोल देना एक बार। During this process, size reduction is achieved by shearing as well as crushing, shearing as well as crushing. The material is collected and passed through a sieve, the material is collected and passed through a sieve to get the powder, passed through a sieve to get the powder of desired size, of desired size, ठीक है। आप जो मटेरियल आपको वो करना है, ग्राइंड करना है या क्रश करना है, वो आप पुट कहाँ डालोगे, ठीक है, जहाँ पे मोटार होगा, ठीक है, वहाँ पे आपका जो ऊपर लगा होगा स्क्रैपर लगा होगा, आप वहाँ पे आपको मतलब वहाँ पे डाल दोगे, ठीक है, आपका मटेरियल, ठीक है। उसके बाद जो मोटार है वो रिवॉल्व होगा एट द हाई स्पीड में, और जिसमें क्या होगा, पेस्टल आपका बार बार टच होगा जाके, ठीक है।
फिर वो मतलब इस प्रोसेस में क्या होगा, आपका साइज रिडक्शन होगा, ठीक है, मतलब क्रशिंग के थ्रू, ठीक है। मटेरियल जो आपका कलेक्टेड होगा पास थ्रू ए सीव। सीव क्यों लगाते हैं, क्यों इसलिए लगाते हैं कि जिस साइज का हमें मतलब पार्टिकल साइज चाहिए, पाउडर चाहिए, उसे हमें सीव के थ्रू हमें वो क्या मिल जाता है, छन के मिल जाता है, ठीक है। यूजेस क्या होते हैं, सूटेबल फॉर फाइन ग्राइंडिंग, मतलब जो एंड रनर मिल है आपका, वो आपका सूटेबल किसके लिए है, सूटेबल फॉर फाइन ग्राइंडिंग, फाइन ग्राइंडिंग के लिए सूटेबल है, ठीक है। एडवांटेजेस कुछ नहीं है इसकी, डिसएडवांटेजेस है, नॉट सूटेबल फॉर ड्रग्स विच आर इन अनब्रोकन और स्लाइटली ब्रोकन कंडीशंस, नॉट सूटेबल फॉर ड्रग्स विच आर इन अनब्रोकन और स्लाइटली ब्रोकन कंडीशंस, मतलब ये नॉट सूटेबल फॉर ड्रग्स जो क्या अनब्रोकन नहीं होती हैं और स्लाइटली जल्दी से मतलब टूटने की कंडीशंस में नहीं होती हैं, उस ड्रग्स के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपकी एंड रनर मिल हो गई, लास्ट मिल बची हुई थी, ठीक है। अब जो वो है इसके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स पूछे जाते हैं आपके कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बताओ कि साइज रिडक्शन में कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। पहले नाम बता देती हूँ ओनली, ठीक है, आपको नाम के बाद में उसको आपको समझा दूंगी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स लिख लो पहले, फैक्टर्स फर्स्ट है आपका हार्डनेस, फर्स्ट जो फैक्टर है हार्डनेस, सेकंड है मटेरियल स्ट्रक्चर, सेकंड मटेरियल स्ट्रक्चर, थर्ड है अब्रेसिवनेस, ABRASIVENESS, अब्रेसिवनेस। फोर्थ है सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, फोर्थ है सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट, CONTENT, मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट है क्रशिंग स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है फ्रायबिलिटी, FRIABILITY, फ्रायबिलिटी। नेक्स्ट है स्टिकीनेस, STICKINESS, स्टिकीनेस। नेक्स्ट है सोपीनेस, SOAPINESS, सोपीनेस। नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव, EXPLOSIVE, एक्सप्लोजिव। नेक्स्ट है मटेरियल्स, इल्डिंग डस्ट, YILDING, इल्डिंग डस्ट, दैट आर हार्मफुल टू द हेल्थ, इल्डिंग डस्ट दैट आर हार्मफुल टू द हेल्थ। That are harmful to the health. Okay, ये आपके क्या हैं, factors affecting हैं। अब hardness जो मतलब hardness क्या effect करती है आपकी size reduce करने में। hardness
क्या होती है, जितना अगर कोई हार्ड है ठीक है, उसकी सरफेस प्रॉपर्टी पे आपका मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कितना हार्ड है ठीक है, उस पे कि आपको कौन सी मिल आपको यूज़ करनी है ठीक है, ये इस पे हार्डनेस पे डिपेंड करता है ठीक है। सेकंड क्या है, अगर आपका नहीं सॉरी आपका अगर ब्रिटल है तो आपका मतलब क्या होगी, साइज रिडक्शन में आपको मतलब आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। अगर वो थोड़ा कम हार्ड है तो वो आपको प्रॉब्लम फेस होगी ठीक है। सेकंड क्या है, मटेरियल स्ट्रक्चर, मटेरियल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि आपकी मटेरियल किस टाइप की स्ट्रक्चर है, राउंड है या फिर सॉरी राउंड है या फिर कोई मतलब रेक्टेंगल है या कोई और शेप की है, तो आपका कौन सी मिल आपको क्रश करनी है, कंप्रेस करना है ठीक है, कौन सी मिल आपको यूज़ करनी है, वो साइज मटेरियल के साइज स्ट्रक्चर को देख के डिपेंड करता है ठीक है। या फिर अगर वो लंबा है जैसे फाइबर्स है तो आपको तब कौन सी यूज़ करनी है, कटर मिल, जिससे आपको कट करके आप उसका साइज रिड्यूस कर सकते हो ठीक है। थर्ड क्या है आपका, एब्रेसिवनेस, एब्रेसिवनेस क्या होता है, एब्रेसिव क्या होता है सुमन, एब्रेसिव यस मैम क्या होता है, एब्रेसिव मालूम नहीं मैम, कई बार यूज हुआ है ये वर्ड, मतलब जैसे अगर कोई कोई मटेरियल क्या होता है कि अगर हम उसका साइज रिड्यूस कर रहे हैं ठीक है, तो वो क्या है अपनी मशीन पे जिस भी हम उसमें रिड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या करता है, चिपक जाता है ठीक है, और चिपक रहा है तो वो कंटामिनेशन का चांसेस क्या है मतलब बढ़ रहा है ठीक है, कंटामिनेट हो सकता है, इसलिए हम वो करते हैं चेक करते हैं कि एब्रेसिवनेस तो नहीं है उसमें ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसकी मिल की सिलेक्शन करते हैं ठीक है। फोर्थ है आपकी सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर इस भी ये डिपेंड करता है कि जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं जो आपके मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपकी क्या हो गई आपकी वैक्सी सब्सटेंसेस, जैसे आपके मतलब कुछ वो क्या होते हैं एसिड्स, स्टेरिक एसिड्स हो गए ठीक है, ये क्या करते हैं कि इनको मतलब क्या होता है कि ये हीट करने के बाद थोड़ा मतलब जैसे आप कोई भी मिल में डालोगे इसे साइज रिड्यूस करने के लिए, तो मिल क्या है जो भी मशीन है आपकी वो हीट होने लगती है, और ये क्या करती है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये मतलब अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो ये क्या करने लगेंगे, मेल्ट करने लगेंगे ठीक है, और ये मतलब टेम्परेचर ये 60 मतलब अप्रोक्सीमेटली ये 60 के अराउंड ये क्या करने लगते हैं, मेल्ट होने लगते हैं, इसीलिए हम अगर हम इन ड्रग्स को रिड्यूस करते हैं तो हम पहले इन्हें कूल करते हैं ठीक है, कूलिंग इफेक्ट देते हैं, फिर इन्हें साइज रिड्यूस करते हैं, और मशीन को भी हम कूल ही रखते हैं कि वो हीट ना प्रोड्यूस करे ताकि वो मेल्ट ना हो पाए ठीक है। फिफ्थ क्या है आपका, मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट अगर कोई ड्रग आपकी मॉइस्चर अवेलेबल है ठीक है, आपको साइज रिड्यूस करना है तो क्या है उसे डिफ़िकल्टी आएगी आपको साइज रिड्यूस करने में ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है आपके साइज रिडक्शन ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रायबिलिटी, फ्रायबिलिटी आपकी क्या होती है, फ्रायबिलिटी हम तब चेक कर मतलब एक ये क्या होता है फार्मास्यूटिक्स का एक क्वालिटी कंट्रोल का एक वो होता है ठीक है, इससे हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि हैंडलिंग देखते हैं हम कि कोई भी मटेरियल की हैंडलिंग कैसे हो रही है, मतलब जैसे अगर कोई मटेरियल आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्ट करोगे तो ट्रांसपोर्ट करने में वो टूटेगी तो नहीं, तो फ्रायबिलिटी हम चेक तभी करते हैं कि फ्रायबिलिटी कितनी हो सकती है उसकी ठीक है। नेक्स्ट है स्टिकीनेस, कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं स्टिकी होते हैं मटेरियल ठीक है, और वो क्या करते हैं आपके जो आपका जो वो है मशीन है उस पर क्या करते हैं
मतलब चिपक जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं और इजली क्या होते हैं आपको, मतलब प्रॉपर आपका साइज रिड्यूस नहीं हो पाता है, ठीक है। आपको बाद में क्या करना पड़ता है, मशीन को इजली साफ नहीं हो पाती है, ठीक है, प्रॉब्लम आती है उसको साफ करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सोपीनेस। सोपीनेस मतलब कुछ क्या होते हैं कि आपके सोपीनेस सोप टाइप के सरफेस एरिया, मतलब वो उनका क्या होता है, मतलब उनकी बिहेव लाइक सोप वो करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनका वो क्या करते हैं, हमें डिफिकल्टी आती है, ठीक है, साइज रिड्यूस करने में या क्रश करने में, ठीक है। एक्सप्लोजिव, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव क्या होता है, ये होता है कि आपका ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं हमारे, जो क्या करते हैं टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या करते हैं, एक्सप्लोजिव हो जाते हैं, ठीक है। और आग, मतलब आग, ठीक है, आग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम उनको क्या करते हैं, कूलिंग इफेक्ट करते हैं ताकि वो मतलब ठंडे रहें और क्या आग की मतलब एक्सप्लोजिव ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मटेरियल्स यील्डिंग डस्ट। मतलब कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, साइज रिड्यूस करने के बाद वो क्या करते हैं, डस्ट देते हैं, ठीक है, डस्टी होते हैं कुछ, मतलब डस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो आप इनहेल करोगे तो वो डायरेक्ट आपके कहाँ पे जाएंगे, लंग्स में जाएंगे, ठीक है। ये आपके क्या थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, ठीक है, कि कौन कौन से आपके फैक्टर्स हैं जो साइज रिडक्शन के पर डिपेंड करते हैं, कि कौन कौन सा, ठीक है। आया समझ में, अगर नहीं आया तो पूछ लेना, अभी पूछ लो। आया समझ में, और साइज रिडक्शन के बाद जो आपके सिलेबस में है वो, मतलब साइज रिडक्शन आपने किया मिल के थ्रू, ठीक है, आपका साइज रिड्यूस हो गया। अब है आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपका साइज सेपरेशन। साइज रिड्यूस करने के बाद आपको जो पार्टिकल मिले हैं, आप किस तरह से आपको डिवाइड करोगे, किस में आपको सीव से, कौन से नंबर की सीव से आपको कौन से टाइप का मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है। ये साइज रिडक्शन हो गया, उसके बाद आपको साइज सेपरेशन पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि सीव्स होती हैं, ठीक है। बताओ समझ में आया या नहीं आया, आया समझ में, यस या नो। यस मैम आ गया। मैम जो यस मैम आ गया। स्टार्टिंग पढ़ाया मैम, वो एक बार रिपीट कर दूंगा, मेरा टूट गया। कौन सा पढ़ाया मैंने, मैम ये मील जो वो उस मील वाला जो पढ़ाया आपने, एंड मतलब रनर चक में मिल, डिलीट हो गया था, मतलब एंड चक में रनर, डिलीट हो गया था। एंड रनर मिल की बात कर रहे हो, यस मैम। कुछ भी उसमें तो क्या है, मिल है वो आपकी जो प्रिंसिपल है उसका, वो किस पे डिपेंड करता है, कंप्रेशन पे डिपेंड करता है, मतलब आपको क्रश करना होता है। क्रश करना होता है साइज, जो आपका एंड रनर मिल है, आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका डिपेंड करता है किस पे बेस्ड है, कंप्रेशन पे। मतलब जैसे लाइक पेस्टल मोटार होता है, पेस्टल मोटार पे से क्या करते हो आप, जो भी आपका साइज बड़ा है उसको क्या करते हो, क्रश करते हो, ठीक है, छोटा करते हो। उसी तरह से इसका है कंस्ट्रक्शन, कैसा होता है इसमें कंस्ट्रक्शन, ऐसे होता है कि एक मोटर लगी होती है, मोटर में एक क्या होती है, फ्लैंक प्लेट लगी होती है, ठीक है, फ्लैंक प्लेट जिस पे आपका मोटार, जो आपका मोटार है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। मोटार के ऊपर क्या लगा रहता है, एक पेस्टल लगा रहता है, ठीक है। जैसे आप इमेजिन करो कि एक क्या है, मोटार है, उसके ऊपर एक पेस्टल लगा होगा, ठीक है, और वो पेस्टल जो मूव करेगा, रोटेट करेगा, वो थ्रू किसके करेगा, जो आप
मोटर कनेक्टेड की हुई है आपने, उसके थ्रू कनेक्ट, ठीक है, रोटेट करेगा, मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस करोगे आप इसमें। उससे आप जब स्क्रैपर होगा, स्क्रैपर या होपर लगा होगा, वहाँ पे आप अपना मटेरियल डालोगे और डाल के आप मोटर ऑन करोगे और आपका मटेरियल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और बाद में आप कलेक्ट कर लोगे, कलेक्ट कैसे करोगे, पहले उसे सीव के थ्रू छानोगे, मतलब उसे अलग करोगे, ठीक है। आप उसके बाद आपको फाइन पार्टिकल साइज का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। यस मैम। फाइन और कोरस में क्या डिफरेंस है? फाइन और कोरस पार्टिकल में क्या डिफरेंस है? कोरस पार्टिकल तो क्रिस्टलाइन लाइक होते हैं, जैसे साल्ट होता है हमारा, नमक की तरह। और फाइन, फाइन कैसा होता है? पाउडर फॉर्म होता है। कैसा? पाउडर फॉर्म में होता है मैम, एकदम स्मूथ होता है थोड़ा। हाँ, जैसे और टेलकम होता है। हाँ, ठीक है। अटेंडेंस बोल रही हूँ, आकाश पवार। यस मैम। नींद आ रही है क्या आकाश? मैम फीवर हो रहा है। अच्छा, अभिषेक नामदेव।